क्रिश, 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 महादेव, महादेव, आपके आराध्य के नए अवतार का नाम सुना है आपने? कितना सुंदर है उनके रूप की भांति देवी लक्ष्मी ने ऋषि गर्ग से रखवाया है। सबको आकर्षित करने वाले कृष्ण महादेव, कितना अद्भुत है ना। कदाचित मैं ये कह रही थी कि अब तो नामकरण भी हो गया है, अब तो आप उत्सव में भाग ले सकते हैं ना? कौन से उत्सव में? भूल गए? स्मरण नहीं है, वैकुंठ में उत्सव है। अच्छा अच्छा वो नहीं। देखो गौरी, क्या है कि मैंने तो कुछ नहीं सुना, और वैसे भी जब तक आराध्य मुझे स्वयं निमंत्रण नहीं देते तब तक ना तो मैं कुछ देखूंगा और ना मैं कुछ सुनूंगा। उचित है, जैसे आपकी इच्छा, परंतु किस कार्य में व्यस्त है आप? आके स्वयं देख लो। बांसुरी? बांसुरी। अच्छा, तो अब मैं समझी, डमरू बजाना छोड़कर बांसुरी बजाने का मन है आपका। वो सब तो मुझे नहीं पता गौरी, बस बांसुरी बनाने का मन किया तो मैंने ये बांसुरी बना डाली। अब तुम भी जाओ, मुझे बहुत काम है। उचित है। कृष्ण, मेरा बच्चा, चार पंखुड़िया शेष नारायण। केवल एक और, उसके बाद जन्म लेगा मेरा काल, जिसके अंत के पश्चात तुम अवतार लेने की प्रथा ही बदल दोगे नारायण। फिर कोई नहीं होगा जो कंस का विरोध कर सके। यशोदा, एक तुम ही दुखी नहीं हो, गोकुल की सारी माताएं दुखी हैं।
देवकी पर कंस के हो रहे अत्याचारों का समाचार सुनने के बाद मन तो मानो जैसे बैठ सा गया। विश्वास रखो आकाशवाणी पर, इस आतंक का अंत अवश्य होगा। कब होगा आतंक का अंत? कब थमेंगे माओं के आंसू? एक पुत्र के लिए मेरी आंखें तरस गई, आज तक मां नहीं बन पाई, पर तब भी संतान को खोने की पीड़ा समझती हूं। न जाने देवकी का क्या हाल होगा, निर्दयी कंस को एक माँ के श्राप का भी भय नहीं। धैर्य रखो यशोदा, आप प्रस्थान कीजिए, आवश्यकता होगी तो मैं आपको अवगत कर दूंगा। रोहिणी, तुम यहां? इतना बड़ा संकट मोल क्यों लिया तुम? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो दुष्ट कंस तुम्हारे पति वसुदेव और देवकी के साथ अब तुम्हें ही खोज रहा होगा। यदि अब तुम उसके समक्ष आ गई तो न जाने वो अत्याचारी अब कौन सा अनर्थ कर बैठे। बड़े स्वप्न को पूर्ण करने के लिए बड़े संकट मोल लेने पड़ते हैं यशोदा। स्वप्न? हाँ, एक अद्भुत स्वप्न। इस स्वप्न का वर्णन करना शब्दों में कठिन। उस स्वप्न में मैंने दिव्य प्रकाश को देखा। देवी रोहिणी, आपको मथुरा जाना होगा। वहां वासुदेव और देवकी को आपकी आवश्यकता है। नहीं रोहिणी, केवल एक स्वप्न के लिए तुम विपत्ति व्यू में नहीं जा सकते। तुम भली भांति जानती हो कि मथुरा में क्या चल रहा है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मथुरा में नहीं जाने दूंगा। जब जीवन में कोई मार्ग नहीं दिख रहा तो इसी स्वप्न ने मुझे आशा का प्रकाश दिखाया। नंद, अब मैं रुक नहीं पाऊंगी। मेरे पति वासुदेव और देवकी को मेरी आवश्यकता है, उसके लिए मुझे मथुरा जाना ही होगा। परंतु रोहिणी, तुम मुझे तुम्हारे स्वप्न पे विश्वास है रोहिणी। आशा क्या होती है ये मैं जानती हूं। मुझे भी कई बार अपने होने वाले लल्ला की किलकारियां सुनाई देती है। तुम अवश्य जाओ रोहिणी, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। देवकी का आठवां पुत्र तेरा काल बनकर जन्मेगा और तुझे संसार से विदा करेगा। आज तक मुझे ऐसा आभास कभी नहीं हुआ। लग रहा है कुछ बड़ा, कुछ विचित्र करने वाला है। देवकी के साथ ही संतान को लेकर मुझे उन देवताओं के षड्यंत्र की गंध आ रही है। सैनिक जी महाराज, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दो, पहरियों की संख्या 4 गुनी बढ़ा दो। बिना मेरी अनुमति के महल के भीतर ना तो वायु आ सके ना बाहर जा सके। जो आज्ञा महाराज, कल भोर होते ही आज्ञा का पालन। अभी से जो आज्ञा। आओ
मुझे तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। एक विशेष कार्य है तुम्हारे लिए। मथुरा में तुम्हारा स्वागत है बकासुर। मेरी ओर से देवकी को ये पीताम्बर दे देना। ये केवल वस्त्र नहीं है, ये मेरी आस्था का कवच है। इसे मैंने अपने होने वाले लल्ला के लिए बनाया था, परंतु न जाने वो चमत्कार कब होगा। पर तुम जाकर देवकी को ये देना और उससे कहना कि वो अपने लल्ला को इससे ढक दे। यदि मेरी ममता में शक्ति है, यदि मेरी आस्था सच्ची है, और यदि ईश्वर तक इस माता की प्रार्थना पहुंचती है, तो विश्वास है मुझे ये वस्त्र देवकी की आठवीं संतान का सुरक्षा कवच बनेगा। कंस उसके लल्ला का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यशोदा, इस पीताम्बर को बड़ी ममता से बनाया था तुमने, यहां तक कि मुझे भी कभी इसे छूने नहीं दिया। तो फिर आज ही? पर आज चुनौती तो ममता को है ना। आज सभी माताओं को एक होना पड़ेगा अपनी ममता की रक्षा के लिए। कंस के विरुद्ध एक शक्ति बनकर खड़ा होना होगा। फिर क्या मेरा और क्या देवकी का? रक्षा तो ममता की होगी ना। और फिर क्या पता देवकी के उस पुत्र से मेरे होने वाले लल्ला का भाग्य जुड़ा हो। यशोदा, तुम्हारे विश्वास की जीत होगी, हर माँ के विश्वास की विजय होगी। Oh, 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 o